राजस्थान में जमकर बवाल हुआ, पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई सिर्फ एक थप्पड़ की वजह से। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव के तहत देवली उनियारा विधानसभा सीट पर बुधवार को जमकर बवाल हुआ। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने मालपुरा के एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया। इस घटना से जिले में हड़कंप मच गया है। इसके बाद समरावता गांव में पुलिस जब्ता तैनात हुआ है। सूचना पर टोंक एसपी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने घटना की जानकारी ली। इधर जयपुर में आर्यस एसोसिएशन ने एसडीएम अमित चौधरी के साथ नरेश मीणा के मारपीट की घटना को लेकर गहरा आक्रोश जताया। उन्होंने राज्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन देकर नरेश मीणा के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। इसके बाद समरावता गांव में पुलिस द्वारा नरेश मीणा को हिरासत में लिया गया। अब वहां हालात बेकाबू हो गए हैं। उनके समर्थकों ने आगजनी कर पुलिस पर पथराव किया, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। पुलिस ने स्थिति नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं, लाठीचार्ज किया गया और हवाई फायरिंग भी की गई है। जानकारी के मुताबिक नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद से ही बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौके पर इकट्ठा हुए। भीड़ ने 12 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले किया और पुलिस पर पथराव शुरू किया। इस हिंसा में कई लोगों के घायल होने और उनके सिर से खून बहने की भी सूचना है। भीड़ के बेकाबू होने के बाद पुलिस द्वारा स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और अधिकारी भी पहुंच गए हैं। अभी तक हिंसा जारी है और प्रशासन स्थिति को शांत करने के प्रयास में जुटा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बुधवार को दोपहर मतदान चल रहा था। इस दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा मौके पर पहुंचे, जहां वो पहले अपने समर्थकों के साथ मतदान केंद्र पर घुसने का प्रयास करने लगे। इस पर पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन मीणा नहीं माने। उन्होंने मालपुरा एसडीएम अमित चौधरी को जाते ही थप्पड़ मार दिया। हालांकि इस दौरान पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन तब तक मीणा थप्पड़ मारने में सफल रह चुके थे। इस घटना से मौके पर हड़कंप मच गया है। बाद में पुलिस ने मीणा को पकड़कर काबू में किया। घटना के बाद से ही समरावता गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है। पूरा गांव छावनी में तब्दील है। घटना के बाद से ही आरएस एसोसिएशन के सदस्यों ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन से मुलाकात की है। उन्होंने नरेश मीणा पर कार्रवाई करने की मांग की थी। अधिकारियों का कहना है कि फील्ड में काम करने वाले एसडीएम एडीएम को गार्ड मुहैया कराया जाए। वहीं अधिकारियों ने इससे पहले चेतावनी दी कि यदि नरेश मीणा की गिरफ्तारी नहीं हुई तो पेन डाउन हड़ताल की जाएगी। ये भी बता दें कि नरेश मीणा ने वीडियो जारी कर अपील की थी कि लोग इकट्ठा हो, नरेश मीणा का समर्थन करें। नरेश मीणा ने अपील में कहा था कि जिस प्रकार से किरोड़ी लाल बैसला एक आवाज देते थे और लोग इकट्ठा हो जाते थे, अगर आज आपने साथ नहीं दिया तो भविष्य में आपके अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ पाऊंगा। इस अपील को सुनकर सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए। समरावता नाम के गांव में दिन में लोग वोटिंग का बहिष्कार कर रहे थे, जब एक एसडीएम को प्रत्याशी नरेश मीणा ने थप्पड़ मार दिया। आरोप लगाया गया था कि एसडीएम लोगों को चोरी छिपे वोट डलवा रहा था। इसके बाद मामले ने तोल पकड़ा और नरेश मीणा उसी गांव में धरने पर बैठ गए। राजस्थान में उपचुनाव के दौरान बुधवार को थप्पड़ की गूंज पूरी सियासत में खलबली मचा दी है। ये थप्पड़ कांड टोंक की देवली उनियारा विधानसभा सीट से सामने आया है। यहाँ उपचुनाव के लिए मतदान के दौरान नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया था। एसडीएम को थप्पड़ जड़ने वाला कोई और नहीं, कांग्रेस के बागी नेता नरेश मीणा है। नरेश मीणा उपचुनाव की घोषणा के बाद से ही चर्चा में है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट के करीबी और बड़े समर्थक के रूप में नरेश मीणा को पहचाना जाता है। हालांकि टिकट नहीं मिलने से पार्टी से नरेश मीणा की पहचान एक बागी नेता के रूप में होने लगी। नरेश मीणा कांग्रेस से टिकट न मिलने के बाद बागी हो गए थे और निर्दलीय नामांकन दाखिल किया था। पार्टी ने उन्हें अपना नामांकन वापस लेने को कहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।